नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। नमस्ते यूपी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का एक प्रयास है आप तक ज्ञान, सूचना और मनोरंजन पहुंचाने का, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई बेहतर परिवर्तन लाने में सही साबित हो, कहीं ना कहीं आपकी मदद करता हो। और इसी तरह से हमारी जीवन में मदद करते हैं सकारात्मक सोच, या हम कह सकते हैं सुविचार। तो चलिए इसी बात पर हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या है आज का सुविचार। हमें किताबों से ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन उसकी सार्थकता, या हम कह सकते हैं कि उसे हम कहाँ इस्तेमाल करें, ये हमें जीवन सिखाता है। हम सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं और उससे हम निरंतर जब तक जीवन है तब तक सीखते रहते हैं। और चलिए सुविचार के बाद हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कि क्या है आज की परिचर्चा। आज जो हमारी बातचीत है पूरी इसी पर केंद्रित है। हम हमारे संस्कार विषय पर बातचीत करने वाले हैं, किस तरह से अध्यात्म कह लें, शिक्षा कह लें, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर उमा शंकर मिश्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में जी। और आपके साथ ही हमारे साथ बनी हुई है कार्यक्रम में शिक्षिका नेहा सिंह जी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जी। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपनी बातचीत को है जो इसका आरंभ करते हैं। और पहले हम उमा शंकर जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन में अध्यात्म है, चाहे हम जिस भी धर्म के हों, लेकिन अध्यात्म हमें हमेशा सकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर डालता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको आज के ज़माने में भूलते जा रहे हैं। तो अगर हम ये किसके तालमेल की बात करें कि अध्यात्म का और हमारे संस्कारों का तालमेल कैसा है, या इसका प्रभाव किस तरह से हमारे जीवन पर पड़ता है? जब हम धर्म का जब भी अध्ययन करें, संस्कार का अध्ययन करें, परिवार का अध्ययन करें, किसी परंपरा का जब भी अध्ययन करेंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं प्रकृति ने बनाई हैं, दैवी शक्तियों ने बनाई हैं, ऋषि महर्षियों ने बनाई हैं, कि जिस परंपरा का अगर निर्वहन किया जाए तो सामाजिक समस्त समस्याओं का समाधान भी होगा, पारिवारिक परिवेश भी अच्छा होगा, बच्चों का परिवेश भी अच्छा होगा। तो धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें बताई गई अपने दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कार पद्धति में, तो उसके तहत परंपरागत रूप है कि जब आप उससे जुड़े रहेंगे तो हर चीज़ आपको मानसिक और आध्यात्मिक हर तरह से आपको बल मिलेगा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आने लगेगा। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे जीवन का जो है ये मार्गदर्शन हमें अध्यात्म के जरिए मिलता रहता है। हर स्थिति में हमें इसका जवाब जो होता है अध्यात्म के जरिए मिलता है। लेकिन नेहा जी, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। जैसे हम बातचीत करते हैं कि किसी भी चीज़ की नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है, वैसे हमारी प्रथम पाठशाला जो है, हम कहते हैं कि घर है, परिवार है। तो किसी के भी घर का या उसके परिवार में किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह के संस्कार डल रहे हैं, इसका किसी के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, परिवार का बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि परिवार किसी बच्चे की प्रथम पाठशाला है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परिवार का वातावरण और माहौल कैसा है यही बच्चे के भविष्य निर्माण पर निर्भर करता है। अगर परिवार का वातावरण और परिवार के सदस्यों का व्यवहार सकारात्मक रहेगा तो उसका उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जितना हम करके बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, उतना हम खुद करेंगे तो बच्चे उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसे अपने व्यवहार में लाएंगे, उसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को नियंत्रित और संतुलित रखते हुए अपने घर में अच्छे संस्कारों का लाना चाहिए, जिसको देख के बच्चे सीखें और अपने जीवन को सुधार कर एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, जो वो अपने आसपास चीज़ें देख रहे होते हैं, चाहे उनके स्कूल की बात हो, घर परिवार की बात हो, समाज की बात हो, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है, वो वही चीज़ें जल्दी सीखते हैं। और शायद यही कारण है कि हम देखते हैं हिंदू धर्म में 16 तरह के संस्कार होते हैं गर्भावस्था के समय से ही। तो इसके बारे में हम ज़रा उमाशंकर जी से जानना चाहेंगे कि उमाशंकर जी, जैसे हिंदू धर्म में हम देखते हैं मुख्यतः 16 तरह के संस्कार जो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाते हैं, तो इनका क्या महत्व है, ये कौन कौन से मुख्य संस्कार, जो इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक पहुंचे। जैसे अपने जीवन में शिक्षा होती है या कोई परंपरा का निर्वहन करना हो, तो वैसे ही धार्मिक तौर पर एक परंपरा डाली गई ऋषि महर्षियों के द्वारा, दैवी शक्तियों के द्वारा, कि ताकि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन कैसे व्यवस्थित किया जाए, जीवन के कौन से रस्म, कौन से संस्कार करने से हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। जैसे हमारा विद्याध्ययन संस्कार है, या मुंडन संस्कार है, या गर्भाधान संस्कार है, या विवाह संस्कार है, इसके पीछे बड़ी बृहद परंपरा है जी। सबसे पहले तौर पर माना गया है कि जैसे प्रथम संस्कार मानते गर्भाधान संस्कार को, विवाह होता है, विवाह एक परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा, क्योंकि मनुष्य जीवन में माना जाता है कि तीन ऋणें होती हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हमारा बच्चा कैसे समझे, हमारा समाज कैसे समझे, हमारे धर्म के लोग कैसे समझें, अपने देश के लोग कैसे समझें, हमारा उत्तरदायित्व तो क्या है। अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमारी जवाबदेही होती है, बैंक की जवाबदेही है हमसे लेना, हमारी जवाबदेही है देना। ठीक इसी तरह से अगर मनुष्य जीवन में जन्म लिए हैं तो परमात्मा हमसे कभी न कभी हिसाब लेगा कि तुम्हें जो उत्तरदायित्व दिए गए उसका कितना निर्वहन किया, कितना नहीं किया। तो गर्भाधान संस्कार से तात्पर्य यहाँ पर यह है, हमें शुद्ध संस्कारवान संतान हो जो हमारी पूरी परंपरा को लेकर चले, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से हमें उऋण कराने में सार्थक हो गए। ऐसे ही मुंडन संस्कार का विद्या पर, बुद्धि पर बहुत बड़ा बल पड़ता है। जब बाल का छोड़ कर्म करते हैं तो उसे संबंधित माना गया है कि बड़े बड़े बाधाएं कट जाती हैं और बच्चे का विद्या बुद्धि में बड़ा विकास होता है। इसी तरह यज्ञोपवीत संस्कार, 16 संस्कार है, बड़े बृहद सुंदर संस्कार है, लेकिन अगर हम यज्ञोपवीत संस्कार का देखें तो उसके द्वारा एक परंपरा होती है, परंपरा का निर्वहन होता है कि बच्चा बचपन से संस्कार युक्त होता है अपने पिता के प्रति, अपने चाचा के प्रति, अपने मामा के प्रति, अपने बुआ के प्रति। यज्ञोपवीत संस्कार में सबको बुलाए जाते हैं और बड़े मंत्रोच्चारण के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार सिखाया जाता है, जनेऊ पहनवा करके, भिक्षाटन करके परंपरा डाली जाती है ताकि बच्चा पढ़ने का अपना लक्ष्य बनावे, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करे और पठन पाठन करके देश समाज के धर्म के हित में काम कर सके। इसी तरह से जब भी देखें विवाह संस्कार के बारे में, तो विवाह संस्कार की बड़ी एक परंपरा है। जनरल देखा जाए तो विवाह एक बड़ा साधारण रस्म है, लेकिन अगर जब उसके बृहद क्षेत्र में देखें तो विवाह एक बहुत बड़ी परंपरा है, सबका निर्वहन है, समाज के एक नैतिक, सबसे अधिक से अधिक नीचे का व्यक्ति हो चाहे उच्च वर्ग का हो, सबको बुलाया जाता है। एक ब्राह्मण का बड़ा महत्व है, एक नाऊ व्यक्ति का समाज का देखा जाए बड़ा महत्व है, एक हम अन्य समाज के देखें, जब से सबसे अधिक अगर हम किसी को माना, जैसे दोम जाति बिरादरी के बारे मानते हैं, उनके बड़ा उनके द्वारा लाया हुआ डोर का जब पूजन होता है, जब उसके महत्व को देखें, तो मुझे लग रहा है जिस दिन आप संस्कारगत आधार देखा जाए, समाज को जोड़ने की परंपरा जो देखा जाए विवाह में, आपको देखकर ताज्जुब लगेगा कैसे कैसे किस किस व्यक्ति का महत्व दिया गया। शायद ऐसी परंपरा आपको दुनिया के किसी भी समाज में देखने को नहीं मिलेगी, सबको जोड़ कर लेकर चलने की परंपरा। एक ब्राह्मण को भी परंपरा है जोड़कर लेकर चलने की, एक नाऊ का बहुत बड़ा महत्व है, एक धोबी का बहुत बड़ा महत्व है, एक हरिजन का बहुत बड़ा महत्व, सबको लेकर जोड़ा गया और लेकर जोड़ करके समाज अपना बड़ा परिपक्व और बड़ा अनुभवी और बड़ा संस्कारवान होता है जब भी सब चीज परंपराओं को जब व्यक्ति करता है। तो जब शादी हो जाती है तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को छोड़ने की भारतीय दर्शन में परंपरा ही नहीं है। डाइवोर्स शब्द का, तलाक का कहीं वर्णन ही नहीं है। आश्चर्य करिएगा, भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन तो कहता है आपके 7 जन्म का विवाह होता है, आप एक जन्म की बात छोड़ें, आपके प्रारब्ध के कर्मानुसार आज सही संस्कारवान पत्नी मिली, परिवार मिला। शादी विवाह जब हम लोग कराते हैं तो विवाह में दो प्रकार के माता पिता का वर्णन आता है, एक माता पिता जो हमें जन्म दिए और एक शादी के बाद जो हमारे माता पिता बनते हैं अर्थात सास ससुर। दोनों माता पिता हो गए, दोनों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। जब हम कोई संकल्प करवाते हैं दोनों परिवार का संकल्प करवाए जाते हैं। जब आप कभी देखने का प्रयास करें, गोदान को देखें, स्वर्णदान को देखें, भूमिदान को देखें, कन्यादान की रस्म को देखें जी, हकीकत में क्या कन्यादान रस्म किया जा सकता, लेकिन नहीं, लेकिन परंपरा रूपे जब देखें तो कैसे देखा जाता, जब लड़का लड़की के हाथ को, नायक नायिका के हाथ को, वर लक्ष्मी स्वरूपा लड़की का जब हाथ पकड़ लेता है, अपने शादी विवाहों में वर को विष्णु स्वरूप मानते हैं, बालिका को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं, जब दोनों का वरण कराया जाता है तो पिता कहता है कि जो हमारा कर्तव्य था अभी तक मैंने किया, अब आज के बाद आपका उत्तरदायित्व है,
उत्तरदायित्व से तात्पर्य क्या दोनों बच्चे योग्य हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक चीज जोड़ कर कैसे चला जाए, हम दोनों परिवारों कैसे जोड़ें, हम अपने पत्नी प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने साले के प्रति, अपने भाइयों के प्रति हम कैसे लेकर कर्तव्य का निर्वहन करें। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है विवाह के लिए कि पत्नी मनोरवाम देही मनोवृत्तानुसारिणिम तारिणिम दुर्ग संसार सागर से च कुरुद भवाम। हे माँ भगवती, हमें ऐसी पत्नी दीजिए जी, हमें ऐसी पत्नी दें जो हमारी संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, हमारी पारिवारिक परंपरा का निर्वहन करे। और यही नहीं, पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणिम, मेरे मन के अनुसार चले। मन के अनुसार का तात्पर्य नहीं कोई आकर्षण, मनोवृत्तानुसारिणिम यानी हम लोगों का विचार बने, तारतम्य बने, पारिवारिक घर गृहस्थी चलाने में हमें सपोर्ट बने। पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणिम तारिणिम दुर्ग संसार सागर से चौकुलत भवाम। हमारे माता पिता हमारी उत्तरदायित्व का निर्वहन करे, साथ साथ हमें समझावे कि मनुष्य जीवन जी स्थाई नहीं है, और स्थाई है हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करना चाहिए। हमें कभी कभी परमात्मा से भी मिलना है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन। तो अपने संस्कार पद्धति को जब देखने का प्रयास करें, आप अंतिम संस्कार के बारे में देखें जिसे 16वां संस्कार बोलते हैं। आप जब किसी शरीर का संस्कार किया जाता था, देख करके बड़ी एक आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये शरीर के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, जमीन मकान दुकान के लिए व्यक्ति कितना विवाद करता है, कितना व्यक्ति मेहनत करता है, किस तरह प्रॉपर्टी अर्जित करता है, लेकिन उसके बाद भी शरीर को छोड़कर जाना पड़ जाता है और शरीर को जला दिया जाता है। तो ये संस्कार जब 16 संस्कार के बारे में देखा जाए तो बड़ा बढ़िया, परिवार को जोड़ने का, आध्यात्मिक मिलन का, पारिवारिक उत्तरदायित्व का, एक बच्चे के संस्कार का, समर्पण भाव का बड़ा बढ़िया परिचय। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ये त्याग सम्मान और सौहार्द इन सारी चीजों की जो है ना व्यक्ति के अंदर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा उसको बना देते हैं ये संस्कार। और ये किस तरह से बच्चों के पूरे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालते हैं ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हम नेहा जी से एक सवाल करना चाहेंगे। नेहा जी, जैसे कि हमने पूछा था कि घर का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो पहली जगह कह सकते हैं जो उसका सोशल इंटरेक्शन है वो पहला स्कूल में होता है। तो वो अपने एक कम्फर्ट जोन से निकल करके एक नई जगह जाता है, जहाँ नए नए टीचर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उसकी उम्र के, तो वहाँ पर टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप खुद एक शिक्षिका हैं और छोटे बच्चों को ही देखती हैं ज़्यादातर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक शिक्षिका के तौर पर बच्चों के जो संस्कार हैं उनके व्यक्तित्व पर या उनकी मानसिकता पर बहुत बड़ा असर डालते हैं, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जी, ये शिक्षिका या शिक्षक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चा परिवार के बहुत ही सेंसिटिव माहौल से स्कूल में आता है, पहली बार वो एक सामाजिक परिवेश में प्रवेश करता है, तो इस समय शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक अनुकूल वातावरण दे विद्यालय में, कक्षा में, ताकि बच्चा बेझिझक होकर अपने जो भी संस्कार हैं शिक्षा ग्रहण करने का उसको परिपूर्ण कर सके। और शिक्षक को चाहिए कि वो एक ऐसा माहौल रखे जो कि बाल केंद्रित हो, ताकि बच्चा घबराए ना। शिक्षक को लोकल लैंग्वेज में बच्चों से बात करनी चाहिए ताकि वो बहुत ही अनुकूल खुद को महसूस कर सके, एक घर की तरह महसूस कर सके कक्षा में। और शिक्षक से जो है अपनी सारी बातें या प्रश्न जो भी हैं उसके मन में वो पूछ सके। शिक्षक जो है वो बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एक शिक्षक एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। मेरा बेटा जो है उसको मैं अगर कोई चीज़ कह दूँ तो बोलता है, नहीं मम्मा मेरी मैम ने ये चीज़ बोली है तो मैम सही है, आप नहीं सही हो यहाँ पे। तो बच्चों के लिए उनके शिक्षक शिक्षिका बहुत बड़े रोल मॉडल होते हैं। वो जो उनको बता दें, जो उनको सिखा दें, वही उनके लिए सही और उचित होता है। तो ऐसे में शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करना सीखें, समाज जो उचित जो भी व्यवहार है वो करना सीखें, ताकि वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जी बिल्कुल, आपने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही है कि बच्चे जो है अपने शिक्षक को रोल मॉडल मानते हैं, और जैसा वो करते हैं वो वैसी ही चीज़ें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो चीज़ें वो देख रहे हैं वो सीखते हैं, और वही उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं कि हमें कब कहाँ किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। या हमारे बड़े अगर ये काम कर रहे हैं तो हम भी इसी तरह से ये काम करेंगे। अगर वो देखते हैं कि हमारे बड़े, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं
हैं, उनको पानी लाकर दे रहे हैं, तो बच्चे खुद ब खुद उस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर उमा शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इन सब की नींव हमारे संस्कारों में भी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज परंपराएं जो है ये इसका रूप दे दी गई है। लेकिन जैसे अगर मुंडन हो रहा है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे हम एक तरह से त्याग की भावना को देखते हैं, तो इस तरह से जो विभिन्न संस्कार हैं जो जब बाल्यावस्था के समय पे होते हैं, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े होने के पहले तक के जो हैं, तो ये उनके व्यक्तित्व पर, उनके व्यवहार पर, आचरण पर किस तरह से असर डालते हैं, इसको जानना चाहेंगे। जब एक छोटे बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, मैं देखता हूँ रोने लगता है, रोता है जी, लेकिन जब उसके माता, उसके पिता, उसके चाचा, उसके चाची, उसके बुआ, उसके भांजे या जो भी रिलेशन में लोग हैं, जब सब लोग स्नेह देते हैं, तो बच्चा समझता है कि मेरे जीवन में इतने लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जी। आगे बढ़ करके बच्चा जब भी बड़ा होता है, सबकी मर्यादा देता है, संस्कार सीखता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है और बच्चे को जब समझाया जाता है जनेऊ का, सारे मंत्रोच्चारण होने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब वो भिक्षाटन के लिए निकलता है। भिक्षाटन का प्रयोजन क्या है? अब सही ढंग से देखा जाए, भिक्षा का कोई पर्पज नहीं है, लेकिन अपने लोगों से कैसे जुड़े। अगर जीवन में कभी न कभी अगर उसके जीवन में आपत्ति आती है, अगर प्रॉब्लम आती है, तो कम से कम अपने नजदीकी लोगों के पास वो जा सके। आज की डेट में कुछ शिक्षा पद्धति ऐसी अव्यवस्थित हुई है कि लोग अपने रिलेशन के लोगों को भूल गए, अपने चाचा, दादा, मामा, मौसा को भूल गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने संस्कार का आधार देखा जाए, 16 संस्कार का देखा जाए, तो जब जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो सारे पूजा पाठ कर्मकांड के बाद, मंडप का पूजन होने के बाद, आंगन में सारे संस्कार होने के बाद, जब वो बच्चा खड़ाऊ पहन करके भिक्षाटन करने निकलता है, तो कैसे कैसे लोग उसको मनाने जाते हैं। यानी घर में तमाम परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब व्यक्ति को नाराजगी में लगता है सब लोग बेकार हैं, और नाराज होकर घर से व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन जब उसको लोग मनाने के लिए जाते हैं कि नहीं, हम तुम्हें जो कहोगे हम करेंगे, इसके पीछे एक ही प्रयोजन है, एक दूसरे से सुख दुख में भागीदारी, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, वो बच्चे के मन में बात बैठ जाती है, हमारे चाचा ने, हमारे बुआ ने, हमारे फूफा ने, हमारे मौसा ने, हमारे जीजा ने ये मदद किया है, हमें लाकर बैठाए हैं। वही स्नेह जब बच्चा देखता है तो उसके जीवन भर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप बचपन में जब भी देखें बच्चे को, जो संस्कार मिलेगा उसको आजीवन याद रखता है। अपने महाभारत में प्रसंग आता है कि अर्जुन अपने पत्नी जी से, धर्म पत्नी से, गर्भावस्था की स्थिति में कैसे कैसे वार्ता करते हैं 7 द्वार के बारे में, युद्ध के बारे में जी, बिल्कुल 6 द्वार की चर्चा कर लेते हैं, 7वें में उनकी निद्रा आ जाती है। उनके बेटे पर कितना बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है कि बच्चा सारी बात सुन करके 6 के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां पर है कि अगर बचपन में कोई संस्कार दे दिया जाए तो आजीवन प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता जो अपने बच्चे को लेकर मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, अपने गुरुजन से मिलते हैं, पहले जमाने में मई जून के महीने में जब बच्चों को छुट्टी होती थी, लोग अपने मामा मामी के यहाँ जाते थे, फूआ फूफा के यहाँ जाते थे, लोग कहते थे भाई इस बार हम वहाँ जाएंगे, इस बार हम यहाँ जाएंगे, इसे के पीछे क्या प्रयोजन है? एक प्रयोजन है कि बच्चे को संस्कार सीखने का मौका मिल जाता था, हमें जिंदगी को कैसे जीनी है। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आएंगे, निश्चित है। हम लोग नवग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं तो सारे ग्रह सबके जीवन में आते हैं। आज आपका बृहस्पति चल रहा, कल आपका राहु भी आएगा, कल राहु भी, परसों साढ़ेसाती भी आएगी, परसों आपका बुध भी आएगा। यानी कुछ अच्छे अच्छे ऐसे ग्रह आएंगे जो आप कुछ भी अच्छा मत करिए तो भी अच्छा फल मिलेगा, कुछ ऐसे बुरे भी ग्रह आएंगे जब आप सारे अच्छे कर्म करिए फिर भी बुरा फल मिलेगा। अर्थात प्रारब्ध के कर्मानुसार उस वक्त हमारे जीवन में कौन काम आएगा, हम जिस परमात्मा से जुड़े होंगे वो परमात्मा हमें आत्मबल देगा, वो हमारे विल पावर को स्ट्रांग करेगा, हमारी एनर्जी को देगा, हमें क्षमतावान बनाएगा। हम अपने रिलेशन के लोगों से जब मिलेंगे, अपने गुरुजनों से मिलेंगे तो समझाएंगे, वो निश्चित अपने आप प्रेरणा देंगे कि भाई तुम घबराओ मत, सबके बुरे वक्त निकल जाते, तुम्हारे भी निकल जाएगा। अगर व्यक्ति नहीं जुड़ा है, जो बच्चे को नहीं जोड़ा जाता है रिलेशन में या संस्कार नहीं दिया जाता, वो सारे बच्चे एक समय के बाद डिप्रेशन में आने लगते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर सही अध्ययन किया जाए तो आप ताजुब कर जाइएगा, आश्चर्यचकित हो जाइएगा। घर का जो संस्कार अगर अच्छे ढंग से बच्चों को दिया जाए, वे बच्चे कभी भी आजीवन मानसिक रोगी नहीं हो सकते, डिप्रेशन में नहीं आ सकते, वो अच्छी जिंदगी जिएंगे, अपने माता पिता के प्रति अच्छा कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, अपने भाई भाई के प्रति कभी जमीन का विवाद नहीं करेंगे, अच्छे अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, पति पत्नी के बीच में कभी रिलेशनशिप में कभी मतभेद हो ही नहीं सकता,
जी, पिता पुत्र का जो संबंध होगा मधुर होगा और जिंदगी उनकी बहुत खुशहाल जीवन होगा। हम कह सकते हैं कि जीवन में हर तरह के रिश्तों के साथ, समाज में अलग अलग वर्गों के साथ, हर तरह से हम जो है तालमेल बिठाना सीख जाते हैं, सुख दुख में तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। जैसे सुख दुख जीवन का हिस्सा होते हैं, वैसे ही इस तरह के जो संस्कार हैं ये हमें इनडायरेक्ट में बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, साथ ही हमें उत्सव का आनंद भी देते हैं और आनंद हम महसूस करते हैं मनोरंजन के माध्यम से भी। तो हमारी बातचीत जो है नमस्ते यूपी में जारी रहेगी, लेकिन चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कि क्या है आज मनोरंजन में। कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए, कूड़ा जहाँ भी हो डस्टबिन में ही डालिए। और कुछ चीजें वेस्ट होती हैं, उससे ये प्रॉपर्टी इस तरह की बनाइए। आप बने हुए हैं कार्यक्रम नमस्ते यूपी के साथ और आज हम बातचीत कर रहे हैं हमारे संस्कार यानी कि बच्चों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनके जो नॉर्मल एटिकेट्स हैं, व्यवहार हैं, इनसे जुड़ी हुई हम हमारे साथ बने हुए हैं आचार्य डॉक्टर उमाशंकर मिश्र जी और साथ ही शिक्षिका नेहा सिंह जी। तो चलिए हम अपना अगला सवाल जो है वो नेहा सिंह जी आपसे लेना चाहेंगे। देखते हैं मैम हम कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो पहले कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी अब नहीं है और जो अब हैं वो पहले नहीं थी। हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इसको लेकर पेरेंट्स की बहुत शिकायत होती है, टीचर्स की बहुत शिकायत होती है। कहीं ना कहीं ये हमारी ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो इसके बीच में एक तालमेल बना रहे कि बच्चे इससे पॉजिटिव चीज़ें ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें और इसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे थोड़ा बच सकें, तो इसका तारतम्य कैसे बिठाया जाए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका कि आज के टाइम में बच्चों को मोबाइल टेक्नोलॉजी से कैसे बचा के रखा जाए और कैसे उसको समाज से तारतम्यता बैठाई जाए, क्योंकि आज का समय ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और इस टाइम पे आप इनको टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते हैं। बच्चों को समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की मांग है कि बच्चों की स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या होमवर्क ऑनलाइन आते हैं तो आपको उनको फ़ोन देना एक कहा जाए तो मजबूरी भी बन सकती है। और बच्चे बहुत कुछ मोबाइल से सीखते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ खराब चीज़ें भी वो मोबाइल से सीखते हैं, जैसे कि आज के टाइम में साइबर क्राइम आ गया है और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम में, बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ इस डिजिटलाइजेशन कहा जाए या टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले के समय में बच्चे अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों पे उतना, इन चीज़ों का उनके जीवन पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता था जितना आज के समय में पड़ रहा है। अभी जैसा कि पूजा जी ने बोला
कि एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चे जो हैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल, टीवी, इन आधुनिक टेक्नोलॉजीज में दे रहे हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पे वो ज्यादा समय देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हैं वो अच्छी चीजें कम और बुरी चीजों के प्रति ज्यादा प्रभावित और आकर्षित होते हैं। तो इन चीजों के लिए एक अभिभावक को या एक परिवार के सदस्य को क्या करना चाहिए कि उनको बराबर उतना ही समय दे बच्चों को, क्योंकि बच्चे हैं, उनको एक समय चाहिए। आप नहीं समय देंगे तो वो अपना समय कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पे या जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है उन पे वो अपना समय देंगे और ऐसी चीजें देखेंगे जो उनके लिए उचित नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी कि एक अभिभावक थे, वो महात्मा गांधी के पास गए, बोले कि बापू मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है तो मैं उसका गुड़ कैसे छुड़ाऊं। तो महात्मा गांधी ने बोला कि आप एक हफ्ते बाद मेरे पास आइएगा। वो एक अभिभावक एक हफ्ते बाद फिर से बापू के पास गया और बोला बापू मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मैं कैसे छुड़ाऊं। तो उन्होंने कहा आप फिर से एक हफ्ते बाद आइएगा। वो फिर से एक हफ्ते बाद जाता है, फिर वो बापू जो है बच्चे को लेके कॉर्नर में जाते हैं, उसको कुछ समझाते हैं, उसके बाद उस बच्चे की अधिक गुड़ खाने की जो लत होती है वो छूट जाती है। तो वो अभिभावक बापू से पूछता है कि आपने जो बात उसको आज समझाई और वो सीख गया, यही बात आप मुझे पहले दिन भी तो समझा सकते थे, आपने मुझे दो हफ्ते क्यों दौड़ाया। तो बापू ने बोला कि मुझे भी गुड़ ज्यादा खाने की आदत है, तो पहले मैंने अपने में सुधार किया, फिर मैंने उस बच्चे को बताया कि ऐसे ऐसे आप सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपको इन आदतों का सुधार अपने बच्चों में करना है कि वो मोबाइल कम देखें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने में सुधार करना होगा कि आप मोबाइल कम देखें। बिल्कुल, समय बच्चों को समय दें। अगर आप मोबाइल देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपसे प्रभावित होकर मोबाइल देखेंगे, रील्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपको स्वयं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं में परिवर्तन करेंगे तो आपको देख के बच्चा भी उसमें परिवर्तन करेगा। जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने रखी है कि पहले हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। और एक बात और आपने कही कि जब हम अपने बच्चों को परिचित कराते हैं किसी चीज से, वहां पर हमारा गाइडेंस बहुत मायने रखता है। जैसे अगर हम कह लें कि अगर हम कहीं चिड़ियाघर में ले जाकर बच्चों को जानवरों से परिचित करा रहे हैं, जब हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं, तो वहां बच्चों को परिचित स्वयं कराते हैं। उसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है उस समय भी हम बच्चों के साथ साथ रहें, मतलब एक कंट्रोल न रखें लेकिन एक गाइडेंस रखें, न केवल अभिभावक बल्कि जो उनके शिक्षक हैं, क्योंकि उनसे भी उनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें ना कहीं बाल मन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही होती है। हमें लगता है कि केवल बड़ों को स्ट्रेस होता है, लेकिन इसी तरह से जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे उमाशंकर जी कि जो मानसिक असर बच्चों पर पड़ता है, तो इससे डील करने में बहुत मददगार होते हैं जो हमारे इस तरह के संस्कार, अध्यात्म हम कह लें या हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिनको पढ़ते हैं, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर डालते हैं बच्चों के खास तौर से? अगर दूध की शीशी और शराब की शीशी दो अगर किसी बच्चे के सामने रख दिया जाए, 5 वर्ष 7 वर्ष के बच्चे को, ले लो इसमें तुम्हें कौन सा पीना है, तो निश्चित ही उस शराब की शीशी लेगा। वो बच्चा नहीं जानता शराब किसे कहते हैं, दूध किसे कहते हैं। शराब ही से लेगा कि सुंदर लग रहा, लाल लग रहा है, और दूध तो बराबर बच्चा पीता। समझिए बात को, हर बच्चे के अंदर अच्छे बुरे सारे संस्कार अंतर्निहित होते हैं। इंटरनेशनल एक रिसर्च आया है जिसमें आया है कि क्या वास्तव में शिक्षक किसी को ज्ञान दे सकता या देता है, तो उसमें आया है कि नहीं, शिक्षक उस बच्चे के अंतर्निहित ज्ञान को जगाता है। आप भारतीय दर्शन का जब देखने का प्रयास करें तो एक घर के अंदर माता पिता रहते थे, बाबा दादी भी रहते थे। बच्चा जब माता पिता उस बच्चे को तैयार करते थे, स्कूल ले आते थे, तो बच्चा देखता था उसके माता पिता कितना उसको प्रेम करते हैं, कितना उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता। जब बच्चा आता था तो माता पिता उसको मिलते थे, प्रेम देते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, खिलाने के लिए खेलने के लिए कहते थे, फिर उसके बाद पढ़ाने के लिए बात करते थे। बच्चे का पूरा एकदम टाइम टेबल सेट रहता था। जी। अब आज की डेट में दूसरी परिस्थिति आ गई, मोबाइल युग है, टीवी युग है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि जमाने के अनुसार तो आपको चलना ही होगा, वक्त के अनुसार चलना होगा। आज डेट में देखें, बैंकों में आप जाकर देखिए, परे लाइन लगती थी, एक एक घंटे का समय लगता था। आज के डेट में बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही ऑनलाइन पेमेंट करिए, ऑनलाइन घर में सामान मंगाइए। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जी। अब बच्चे को इसी में कैसे व्यवस्थित करें, बच्चे के द्वारा हमें एक परंपरागत उसी से टाइम टेबल सेट करवा लिया जाए। आप कै बजे उठेंगे, कै बजे आपको स्नान ध्यान करना है, कै बजे आप स्कूल जाना है, कै बजे आप लौटेंगे, कै बजे आप खेलना चाहते हैं,
क्या वजह आप टीवी देखना चाहते हैं, क्या वजह सोना चाहते हैं, जो भी उसमें गलत रखे सुधार करके। मैं चाहता हूं कि आप इसमें इस वक्त ऐसा करें, प्रातःकाल उठने के बाद आप सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करें, स्नान ध्यान करके सूर्य को जल चढ़ा लिया करें। बाबू हमने बचपन में चढ़ाया था जल, और जब माता पिता खुद जल चढ़ाएंगे नहा करके, अब बच्चा देख रहा तो उसको ज्यादा नहीं कहना पड़ेगा, बच्चा खुद भी जल चढ़ाने लगेगा और बच्चे के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जब उससे कहिए कि भाई सुबह मैं चाहता हूँ भगवान सूर्य का, मैंने बचपन से नाम लिया, देखिए मैं स्वस्थ हूँ, आपको भी 11 बार नाम या एक बार नाम या 5 बार ओम घृ सूर्याय नमः बोलिए, ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकम सर्वग्रहाणाम पीड़ानाशनम चौकुरकुर स्वाहा, आप कुछ भी बोलें बच्चे से, आप नाम उच्चारण करवाइए। आप उस बच्चे से कहिए आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आप उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाएगा सायंकाल आते वक्त फिर प्रसन्नता महसूस करेगा। जब बच्चे का माता पिता अपने माता पिता का पैर छुएंगे तो बच्चा भी अपने माता पिता का पैर छुएगा, और जब बच्चे का संस्कार रहेगा स्कूल से लौटने के बाद आएगा कुछ खाया पिया, उसके बाद हम खेलने जा रहे हैं, खेला कूदा, फिर उसके बाद आ गया ये किया, फिर मोबाइल भी दे दिया, लो भाई ये घंटा तुम अपना काम कर लो। और माता पिता के सामने जब बच्चा मोबाइल का यूज करेगा तो निश्चित वह गलत चीजों को यूज नहीं करेगा, निश्चित सामने वो समझ जाएगा मेरे माता पिता मेरे पर वाच कर रहे हैं। फिर खेलने कूदने के साथ साथ जब उसको आप समय देंगे टाइम से सुलाएंगे, पहले माता क्या करती थी, कहानी सुनाती थी बच्चे को सुलाते वक्त, हम उस परंपरा को जहां छोड़े हैं गड़बड़ी वहां से हो रही है। आज डेट में 90% परिवार में डिसबैलेंस कंडीशन क्यों हो रही है, बच्चे अपने माँ बाप को अवॉइड कर रहे हैं, माता पिता खुद अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं और बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे बाबा दादी हैं, तुम्हारे मामा मामी हैं, तुम्हारे चाचा चाची हैं। अगर बच्चा अपने माता पिता से, अपने बाबा दादी से, अपने चाचा चाची से, अपने मौसी मौसा से, अपने फूआ फूफा से जुड़ा रहेगा, निश्चित जानिए वो नहीं भटकेगा। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, अगर बच्चा भगवान सूर्य को एक लोटा सुबह नहा धोकर जल चढ़ाएगा, जब उसको समझाइए कि स्नान करके स्कूल जाएंगे तो निश्चित आपकी बुद्धि का विकास होगा। आप इंटरनेशनल रिसर्च को देखिए जिसमें आया है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर में 5-7% ही ब्रेन का यूज करता है, कहीं कहीं आया है कि 2-5% ही ब्रेन का यूज कर पाता है। इसका मतलब सोचें कि आप कितने परसेंट अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाते, हमारे ब्रेन का विकास कैसे होगा। आज सोचें हिंदू संस्कृति में हजारों साल पहले अपने संतों ने, ऋषि महर्षियों ने जंगलों में बैठ करके वो चीजें लिख दी हैं जो आज नासा जैसा एक बहुत बड़ा संगठन, वैज्ञानिक संगठन ये साबित कर रहा है। हनुमान चालीसा में जो लिखा है साबित हो रही है, सूर्य की कितनी दूरी है धरती से वो साबित हो रही है। सोचें उस जमाने में कोई भी सुविधा नहीं थी, कोई साइंस डेवलप नहीं था, और सारी बात छोड़ें साउथ के तमाम मंदिरों में जाकर देखें, आज डेट में हम कह सकते हैं भाई बड़ा साइंस डेवलप हो चुका, हम बहुत डेवलप हो चुके हैं। आप साउथ में जाइए 2000 वर्ष के पुराने मंदिर बने हैं, ऐसे मंदिर बने हैं जो आज के डेट में कोई इंजीनियर है ही नहीं है जो ऐसा मंदिर बना सके। आप आसर करिएगा कितना अपनी संस्कृति रही है, डेवलप रही है। हकीकत के तौर पर हम अपनी परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों के माता पिता अपने समय को सही ढंग से बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, उनके साथ नहीं उठ रहे हैं, उनको अच्छी बात नहीं समझा रहे। आप अपने कमरे में अगर माँ सरस्वती का फोटो लगा हो, बच्चे का कहिए भाई प्रणाम करके तुम बैठो, निश्चित बच्चे के अंदर संस्कार आएगा। आप उससे कहते हैं नहा करके तुम सूर्य को जल चढ़ाओ, बच्चे के अंदर संस्कार आएगा। जब आप अपने माता पिता का पैर छुएंगे तो बच्चा आपका भी पैर छुएगा, उसके अंदर संस्कार आएगा। जब हर मई जून के महीने छुट्टी महीने में चलो भाई 5 दिन का समय, फूआ क्या ले चलते हैं, मौसी क्या ले चलते हैं, चाचा क्या ले चलते हैं, बच्चा समझेगा मेरे चाचा। आज की डेट में बच्चा जन्मे नहीं करता उसके चाचा कौन है, पता चला पिता और चाचा में रोज मुकदमे चल रहे हैं, विवाह चल रहे हैं, बच्चे के अंदर संस्कार क्या बैठेगा। जब बच्चा स्कूल से आता है माता पिता उसको प्रेम दें, अपनों दे दें, इसने दे, बच्चा खेलेगा कूदेगा, अच्छा बोलो तुम्हें बैडमिंटन दे दें या फुटबॉल दें क्या खेलोगे, कितना बच्चा गदगद हो जाएगा कि मेरे माता पिता मुझको कितना चाहते हैं। हकीकत के तौर पर जो भी आज बच्चों में निगेटिव भावनाएं आ रही हैं या नैतिक विहीन आचरण आ रहा, इसके पीछे जवाबदेह सही कहा जाए तो माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। अगर माता पिता बच्चे को समय दें निश्चित बच्चा होनहार होगा। आपने पूरे 16 संस्कार में देखिए, मैंने भी यज्ञ प्रवृत्ति के बारे में बोला, मुंडन संस्कार के बारे में देखा, विवाह में देखिए सबको पैर छूने की परंपरा, दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी हुई उसके बाद उठ करके माता पिता पैर छूरा, बाबा दादी पैर छूरा, मौसा मौसी छूरा, चाचा चाची छूरा, सबका छूएगा तो संस्कार ही बेकरेगा। जी हम बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं कि हमारे आस पास जो भी छोटी छोटी चीजें हैं ये हो रही है, ये हम पर बड़ा प्रभाव डालती है और लंबे समय के लिए हमें प्रभावित करती है। इसलिए जरूरी है कि खासतौर से क्योंकि माता पिता सबसे करीब होते हैं बच्चे के, दिन रात उनके साथ होते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है, जिम्मेदारी भी उनकी बड़ी है, और जितने बड़े लोग होते हैं ना बच्चों के आसपास उनको भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इसलिए अपने आसपास हो रही जो चीजें हैं ना उसके प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। और ऐसी ही एक चीज हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जिसका नाम है शहर की हलचल। अ
अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने 23 अक्टूबर 2024 को कॉलेज सभागार में मिशन शक्ति के अंतर्गत श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी मेमोरियल इंटर कॉलेजिएट वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। महाविद्यालय की सह प्राचार्य प्रोफेसर उपमा चतुर्वेदी के प्रिय पिता श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी की स्मृति में 2018 से हर वर्ष इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय भारत पर वैश्विक बाजार बल का प्रभाव था। Whereas globalization promises of economic growth and increased connectivity, but at the same time it lead to the environmental degradation, but also the many problems related to it. Basically, I want to say that globalization has turned our country India into a consumerist society, where people are more driven or interested in buying foreign goods than supporting our Indian traditional goods. Integration of India into a global market has been a transformative experience, catapulting the country from a closed socialist one into a vibrant market-driven one. Global market forces included numerous benefits to the country. That includes inflow of FDIs, economic growth and whatnot. It basically includes globalization, currency exchange, foreign direct investment, international trade and etc. While it has opened the doors for sectors like IT, pharmaceutical, fueling the economic growth, but the reality is far more complex and challenging. The growth is undeniable, yet the global India's merchandise trade report reveals that the export has declined by 9.33% and the import has risen by 3.31% for the year 2024 and 2023. वाद विवाद प्रतियोगिता के उद्देश्य जो आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, अनुसंधान को सफलतापूर्वक रूपायित करना था। सुश्री शर्मिष्ठा शर्मा और प्रोफेसर विनोद चंद्रा ने अपने संबोधन में वाक्पटुता और वाक्पटु सार्वजनिक भाषण के बारे में कुछ संकेत साझा किए। आई हैव सीन सो मेनी डिबेट्स एंड आई हैव रेड एंड रिटन अबाउट सो मच। So I would like to congratulate Avadh Girls Degree College and Professor Upma Chaturvedi ji for organizing something that relates so beautifully to today's world, impact of globalization. This is something that is so contemporary and it merits a debate which is happening here. I congratulate the college for organizing this and all these participants, I can see how spirited they are and how well they have prepared and how they are presenting. Congratulations and my best wishes to all. May we select the best team and the best speaker. इस डिबेट का जो इशू है वो जिसमें 12 टीमें यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट फोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी, यह बहुत ही समसामयिक है और बहुत ही मेधावी बच्चे अपनी अपनी बातें पक्ष और विपक्ष दोनों में रख रहे हैं। मैं एज ए पैनलिस्ट, एज ए जज सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चे अभी तक जितने भी टीमें प्रस्तुत कर चुकी हैं सब ने बहुत ही उत्तम प्रस्तुति दी है। हम जजेस का काम प्रोत्साहन और पुरस्कार दोनों देना है, इसलिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। सेंटेनरी सेलिब्रेशन है इस बार 2024, उनका 100वां जन्मदिन होता और उनको 21 वर्ष हो गए देवलोक को गए हुए, तो उनकी याद में ही मैं ये डिबेट प्रतियोगिता करती हूँ। ये 2018 से मैं इस कॉलेज में कर रही हूँ और इस वर्ष 12 टीम्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मैं उन सभी कॉलेजेस की, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये प्रतियोगिता बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और एक ये किसी भी तरीके का जो भी सिनेरियो है हमारे भारतवर्ष में उसकी प्रगति, उसके उत्थान, उसके बारे में जनता के सामने अपनी बात को रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने चुना है। जी नमस्ते, यूपी देख रहे हैं आप दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और नेहा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत
कह सकते हैं क्रूशियल चीज़ है जनरेशन गैप, ये हर पीढ़ी के बीच आती है, हर माता पिता को ये फेस करना ही करना होता है, चीज़ें बदल जाती हैं समय के साथ। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि एक जनरेशन गैप ना आए, दूसरा कम्युनिकेशन गैप, यानी उनके बीच में बातचीत जो है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे, क्योंकि वो बच्चे के व्यक्तित्व पर जीवन भर प्रभाव डालती है। तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? जी पूजा जी, तो जनरेशन गैप आने का आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण है अभिभावकों और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव होना, जो कि हम कह सकते हैं कि व्यस्तता के कारण हो सकता है, क्योंकि आज के एकाकी परिवार में पुरुष और महिला दोनों ही वर्किंग हैं, जिसकी वजह से वो उचित समय अपने बच्चों को नहीं दे पाती हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो अपने बच्चे पे नज़र रख सकते हैं और जितना भी समय उन्हें देते हैं उतने समय में अपने बच्चों को उनकी बातें सुने, उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और अपने स्वयं अपने बारे और अपने अनुभवों के बारे अनुभवों को भी अपने बच्चों से साझा करें, ताकि वो समझें कि उनके पिता या उनकी माता ने क्या क्या कैसा कैसा जीवन जिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी भूतकाल में उनके परिवार के साथ में हुई हैं वो उनके अभिभावकों से ही उनके बच्चों में जाती हैं, अभिभावकों से ही बच्चे सीखते हैं। कई और भी माध्यम हैं जहाँ से बच्चे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जितना अपने परिवार से बच्चा सीखता है उतना अन्य किसी से नहीं सीख सकता है। तो कम्युनिकेशन गैप के लिए अभिभावकों को चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 5 साल की उम्र तक उनको बच्चों को असीम प्रेम देना चाहिए, बहुत प्यार से रखना चाहिए। माताएं जब बच्चों को सुबह उठाती हैं तो उन्हें बहुत प्यार से उठाना चाहिए, 5 वर्ष की उम्र तक गले लगाएं, उनको पुचकारें और प्यार से उठाएं, ना कि डांट फटकार के उठाएं। फिर जैसे ही बच्चा 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से लगा के किशोरावस्था तक बच्चों को डांट के पूरी डिसिप्लिन के साथ में रखना चाहिए, कड़ाई से उनका पालन करना चाहिए। किशोरावस्था में पहुँचते ही बच्चों को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। जब बच्चों के साथ आप मित्रवत व्यवहार रखेंगे तो वो आपसे अपनी हर चीज को साझा करेंगे, वो बाहर किसके साथ में रह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो आपसे साझा करेंगे, जिन पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि वो इन चीजों को कैसे टैकल करें, उन चीजों से कैसे वो बाहर निकलें। बच्चे आजकल जो डिप्रेशन में जा रहे हैं उसका एक कारण ये भी है, कम्युनिकेशन गैप होना, कि बच्चों में और अभिभावकों में कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से ना बच्चा अपने अनुभवों को, ना अपने जो भी विचार हैं उनको साझा नहीं कर पाता है अपने अभिभावकों की वजह से, जिसकी वजह से अभिभावक उसको वो समझा नहीं पाते हैं कि उसको अगर वो किसी चीज में फंस गया है तो उससे कैसे बाहर निकलना है बच्चे को जी। तो कम्युनिकेशन गैप को सुधारने के लिए मैं कहूंगी कि अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है, उन्हें अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और उनसे हर चीज साझा करनी चाहिए। एक कुम्हार जो होता है, आपने देखा होगा कि वो जब घड़ा बनाता है तो अंदर उसको सहलाता है और बाहर से ठोक पीट के मजबूत करता है, वही व्यवहार हमें अपने बच्चों के साथ भी रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बाहर से उन्हें ठोक बजा के और डिसिप्लिन के साथ मजबूती से खड़ा करना है और अंदर से ही उनको प्यार और दुलार देना चाहिए। जी नेहा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि प्यार हो, दुलार हो, थोड़ी सी डांट फटकार भी हो, लेकिन सबकी मात्रा संतुलित हो और उम्र के हिसाब से हो। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमने अभी तक जानी हमारे एक्सपर्ट से। तो उमा शंकर जी, अब हम चलते चलते बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी चीजों का जैसे प्रभाव पड़ता है तो हम देखते हैं न केवल हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं ऐसे हैं, स्कूल्स ऐसे हैं जहां हमारे रामायण से या महाभारत से प्रसंग लिए जाते हैं, या जो गीता है उनका ज्ञान, या हमारी वैदिक चीज़ें हैं ये लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं और ये लोगों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो इसके बारे में हम आपसे बस चलते चलते अब जानना चाहेंगे। पूरी वर्ल्ड का अगर इतिहास देखा जाए, 16वीं शताब्दी से पहले का देखें तो पूरी दुनिया में इतनी गरीबी रही है, इतना पिछड़ापन रहा, इतना एजुकेशन विहीनता रही है, लेकिन जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो यहाँ की सारी धर्म संस्कृति को लेकर गए विदेशों में, उसका वहाँ के लोगों ने बड़ा गहन अध्ययन किया। जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो वो चीज़ें हैं जो इंडियन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों ने इस पर जर्मनी के तमाम शोध देखें, ब्रिटेन का देखें,
नासा का देखें या तमाम भी देशों में देखें, फ्रांस में भी देखें, तमाम शोध में सारी बातें साबित हो रही हैं, लोगों ने उसका वाच किया। अगर आपके घर में धर्म कर्म संस्कार पूजा पाठ जब तक हो रहा, बृहस्पति अनुकूल रहेगा, आपके बच्चों का सही टाइम से नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई सब जाएगी, पति पत्नी के प्रति वफादार रहेगा, शुक्र ठीक हो जाएगा, और शुक्र जब ठीक होगा तो घर में हर सुख सुविधा मिल जाएगी। अगर आप किसी की रोटी नहीं छीन रहे हैं तो शनि ठीक रहेगा, आप किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करें राहु ठीक रहेगा, अपने स्वार्थ में किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे केतु ठीक रहेगा, नौकर आपके अनुकूल रहेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति जी, सब कुछ बहुत चलते चलते आपने बहुत सारी बातें हमसे साझा की जो कहीं ना कहीं हर धर्म से जुड़ी हुई बातों को हमारे सामने लेकर आता है, और इतना हम समझ पा रहे हैं कि अध्यात्म शिक्षा ये सारी चीजें हमें एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाती हैं। और अब हमारे कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त हो चला है, तो आज नेहा सिंह जी आप हमसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही डॉक्टर उमाशंकर मिश्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दर्शकों हम बस आपसे यही कहेंगे कि जितनी भी बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने आपसे साझा किए ना, ये हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है, और ये सभी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स भी हैं। तो इन सबको सुनने समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में गुनने की कोशिश भी कीजिए। इसी बात के साथ हम आज के कार्यक्रम से आपसे ले रहे हैं अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।